નેશનલ ગેમ્સની તૈયારી દરમિયાન પિતાનું નિધન થયું હોવા છતાં પણ નેશનલ ગેમ્સમાં અદ્ભુત પ્રદર્શન કરીને બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવનાર અને મલખમની હરીફાઈમાં અદ્ભુત કવાયતોથી સૌ કોઈને મંત્રમુગ્ધ કરી દેનાર વડોદરાના 10 વર્ષના સૌર્યજીત ખેરેને પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર 2023થી આજરોજ સન્માનિત કરવામાં આવશે. મેરા નામ શૌર્યજીત રણજીત કુમાર ખેરે ઓર મેં 10 સાલ કા હું. મેં પિછલે 5 સાલ સે મલખમ સીખ રહા હું. मैं हर रोज़ आता हूँ 6 बजे और प्रैक्टिस करता हूँ 2 घंटे और मैं 8 बजे चले जाता हूँ घर. मैंने एक्चुअली अभी है ना 3 स्टेट्स लेवल के लिए और 3 नेशनल गेम्स के लिए. मैं सबसे पहले आता हूँ, फिर राउंड मारता हूँ, स्प्रिंट्स मारता हूँ, स्ट्रेचिंग बेंडिंग करता हूँ, फिर आके डंड मारता हूँ, फिर ऊपर मलखाम पे थोड़े बहुत बेसिक्स कर लेता हूँ, कुछ कुछ एलिमेंट्स कर लेता हूँ, फिर बाद में सेट करता हूँ पूरा. आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि आज मुझे बाल पुरस्कार मिल रहा है इसके लिए. मेरे फैमिली मेंबर्स और हमारे कोच राहुल चौकसी सर हम मुझे मोटिवेट कर करके मुझे आज यहाँ तक लाए हैं. मैं उनको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप जो स्पोर्ट्स खेल रहे हो जिसमें टैलेंटेड हो वो स्पोर्ट्स खेलो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो. सौर्यजीत खैर सबसे छोटी उम्र में जब अंडर 12 की कॉम्पिटिशन थी छत्तीसगढ़ में तो पहली बार उन्होंने पार्टिसिपेशन किया और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके उन्होंने पूरे इंडिया में 3rd नंबर प्राप्त किया. दूसरी नेशनल टीम उसने उज्जैन में खेली, उसमें भी उन्होंने अंडर 12 में सेकंड टाइम उन्होंने 3rd नंबर प्राप्त किया. उसके बाद तुरंत ही हमारा नेशनल गेम्स आया, उसी के अंदर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और उसके लिए मैंने खुद ने एक मोटो रखा था कि भाई हमारा सबसे छोटा लड़का पूरी नेशनल गेम, क्योंकि नेशनल गेम्स में अंदर पूरी ओपन एज ग्रुप वाले लोग खेलते हैं और ये सबसे बड़ी टूर्नामेंट होती है. इस टूर्नामेंट के लिए मैंने एक चैलेंज रखा है कि उनके फादर को भी मैंने बोला था कि मैं इन लड़के को अंडर 10 का लड़का है लेकिन मैं ओपन में खिलाऊंगा और इस हिसाब से मैंने उनको ओपन में पार्टिसिपेशन करवाने के लिए गुजरात के अंदर ही उनको मोटिवेट किया और नेशनल गेम्स के अंदर उस बच्चे ने बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस दिखा के नेशनल गेम्स के अंदर 3rd नंबर प्राप्त किया. लेकिन सबसे बड़ी दुखद घटना ये हो गई उनके पिताजी ये सब चीज़ देखने के लिए इस पृथ्वी पर रहे नहीं. ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा शौक है. तो इन बच्चे ने जो परफॉर्मेंस किए इसके हिसाब से हमारे गुजरात के नहीं लेकिन पूरे इंडिया के मलखम प्रेमी जनता को भी इनके हिसाब से देखने के हिसाब से उनको मोटिवेशन मिलता है सभी बच्चों को. 10 साल के उम्र में इन्होंने बाल प्रतिभा जो भारत प्रधानमंत्री बाल प्रतिभा पुरस्कार जीता है तो यही बताता है कि हमारे मलखम के बच्चों को और भी छोटी उम्र के बच्चों को तैयारी करनी चाहिए और फिर से मलखम का नाम बढ़ाना चाहिए. मलखम का नाम एक बाल प्रतिभा जो पुरस्कार मिला प्रधानमंत्री का इससे मलखम का नाम इतना आगे बढ़ चुका है क्योंकि मैंने जहाँ जैसे भी मैंने उनको ये हमारे ग्रुप में मलखम के इंडिया लेवल के ग्रुप में डाला तो तुरंत ही लोगों ने उनको बहुत ही बड़ा बधाई दी. तो हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी मैं कहता हूँ कि ये मलखम एक बहुत ही अच्छा गेम है क्योंकि आपको टेक्निकली मेंटली सभी चीज़ों में एडवांटेज मिलता है. ऐसा गेम आप करो खेलोगे तो भारत का नाम इंटरनेशनल लेवल पे भी आप बढ़ा सकते हैं. हाँ? क्योंकि ये जो पहले जो हमारे अंग्रेज के ज़माने से जो हमारी जो देसी गेम थी उनको दबा दिया गया था. अभी फिर से हमारे प्रधानमंत्री जो लोक लाड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्होंने हमारी देसी गेम को देखो आपने जैसे भी वो 2014 में प्रधानमंत्री बने उनके बाद तुरंत ही उन्होंने योग को इंटरनेशनल डे बना दिया और उनके बाद तुरंत ही उन्होंने मलखम के लिए बहुत बड़ा दे दिया और मलखम को इतना अभी तो वो मलखम और योगा दोनों हमारी जो भारतीय गेम है उनको ओलंपिक में ले जाने के लिए उनकी पूरी तैयारी है. 2036 में जब ओलंपिक होगा तो मैं 101% कह सकता हूँ कि मलखम और योगा दोनों ओलंपिक गेम में आएगा ही आएगा.